हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक न्यू एप्लीकेशन आ चुकी है, CNT लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आपको कैसे लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसके थ्रू आपको CNT लोन एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है इस एप्लीकेशन में, इस छोटी सी वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये भी आपको मालूम हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको 2 मिनट के अंदर ही लोन मिल जाएगा। दोस्तों, वेरिफिकेशन क्या क्या होते हैं ये भी आपको मालूम हो जाएगा। अबाउट दिस ऐप में इस एप्लीकेशन के कुछ सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। CNT लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं दोस्तों अपने फ़ोन के अंदर। जैसे दोस्तों ओपन करोगे, कुछ इस प्रकार से आपको लॉग इन करना होगा अपने फ़ोन नंबर से, जो आप फ़ोन नंबर दोस्तों यूज करते हैं हम उसी नंबर से लॉग इन कर लेते हैं। और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना और उसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से अपना फोन नंबर डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और यहाँ पे आपको कुछ और भी लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा दोस्तों, एंड आपकी एज 21 से एबव होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी एज जो है 21 से एबव होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको लोन की प्रोसेस है हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे पिन कोड आपका, अगर जो एड्रेस है जहाँ पे रहते हो वो पिन कोड होता है वैसे आप डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो एड्रेस वो एडजस्ट कर लेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जल्दी से फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने अपना फिल कर लिया, उसके बाद आप भी अपने हिसाब से अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, गेट GNT लोन एप्लीकेशन कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप डिटेल्स भर सकते हो, आपकी मंथली अर्निंग कितनी, आप क्या करते हो और स्टूडेंट हो क्या हो, आप सैलरी है आपको मिलती है कि नहीं, आपकी फैमिली मेंबर में अर्निंग कितनी है महीने की, ये सारा कुछ लगेगा दोस्तों। यहाँ पे टिक लगा के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जल्दी से दोस्तों मैं कर लेता हूँ फिल, और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको भर लेनी है दोस्तों, अपना अपना भरना है। ठीक है, मैं अपना भर रहा हूँ और आपको भी अपना फिल करना है। तो यहाँ पे मेरी मंथली अर्निंग कुछ नहीं है, तो अभी कुछ भी भर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मंथली अर्निंग मेरी 15,000 रुपये, तो इतना मैं भर देता हूँ। और घर की मंथली अर्निंग कितनी है, तो 30,000 रुपये कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, घर की 30,000 कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 30,000 कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ टिक लगा के। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल अपलोड, यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, CNT लोन ऐसे करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करो, KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये लास्ट स्टेप है। इसमें आपको क्या क्या करना मैं बता देता हूँ। KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और 21 एबव रहेंगे आप, तो आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सबमिट KYC कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो, 50,000 से लेके 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 तक लोन ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अपलोड फ्रंट साइड इमेज, और यहाँ पे आपको देख सकते हो अमाउंट इतना दिया गया है। और यहाँ पे आप रिटर्न कितने दिन में करते हो, आपको रिटर्न भी करना होता है दोस्तों, तो आप रिटर्न कितने दिन में करते हो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक दोनों यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों फ्रंट वाले पे, तो फ्रंट आधार कार्ड का क्लिक करके दे दीजिएगा, और नीचे पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड भी आपका बना होगा। अगर 21 से एबव है तभी आपका पैन कार्ड होगा, और पैन कार्ड होगा तभी आपको लोन मिलेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दोनों चीज़ें जरूरी चाहिए। और उसके बाद आधार पैन कार्ड का नंबर, और यहाँ पर आपका पर्सनल फोटो होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ ऐसे आपको पैन कार्ड का फोटो भी फिल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पैन कार्ड भर लीजिएगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए जो पासबुक पे होता है, और IFC कोड होता है, तो दोस्तों वो भी आपको चाहिए। IFC कोड आप बैंक से पूछोगे तो बैंक वाला बता देगा। ये दोनों चीज़ फिल करने के बाद आपको जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन मिल जाएगा, आप लोन ले सकते हो। जय जवाहर।